प्रवर्तन डायरेक्टर राहुल नवीन और एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज शनिवार को रांची दौरा पर थे। रांची के हीरो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में राहुल नवीन ने सभी अधिकारियों के साथ यहां चल रहे चार बड़े मामलों का रिव्यू किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों में कार्रवाई तेज करें। चुनावी सरगर्मी के दौरान अचानक ईडी डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर के रांची दौरे के बाद क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी भी रेस हो गए हैं। निदेशक ने चार बड़े मामलों पेयजल स्वच्छता विभाग में हुए 44 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, पर्यटन और ऊर्जा निगम में 107 करोड़ रुपए का फर्जी खाते में ट्रांसफर किए जाने का मामला, टेंडर कमीशन घोटाला और जमीन घोटाला का रिव्यू करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन मामलों में गिरफ्तारी, चार्जशीट दाखिल करने, अटैचमेंट की कार्रवाई भी तेज करें। इन मामलों में ईडी का अनुसंधान जारी है। ईडी ने हाल ही में पर्यटन विभाग में 10 करोड़ रुपए फर्जी खातों में ट्रांसफर किए जाने के मामले में 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन में हुए 44 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा मामले में 18 जगहों पर छापा मारा गया था। इसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई, उनके पीएस और पूर्व विभागीय सचिव मनीष रंजन का भी आवास शामिल था। अब ईडी के रडार पर है एक आईएएस, 3 सीओ सहित कई अधिकारी। इनके ठिकानों से ईडी ने छापे में कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।